देखो गुटू इधर फूल गाछ देख रहा है। छोटा सा एक मेहमान आ गया है हमारे पिकनिक पे ज्वाइन करने के लिए। किसे? ये कान्ना। ओ खाचरा प्रमाण राख। देखो बेगुनी पहले से खा रहा है। देखो गुटू दिया नहीं तुमको? नहीं दिया, एक भी नहीं दिया अभी तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का शुरुआत होता है हमारा ब्रेकफास्ट से। देखो ब्रेकफास्ट अभी इधर बन रहा है और इधर बन रहा है मिक्स वेजिटेबल देख के गुला रोटी। और इसके अंदर क्या क्या है बताओ? इसके अंदर गाजर है, धोने पत्ता है, प्याज है, हरी मिर्च है और आटा है, मैदा नहीं है, आटा है। तो इससे हम हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं सुबह का। तो देखो इधर बन रहा है और मुझे तो भूख लग गया है। आज भी देखो बाहर धूप नहीं दिख रही है, धूप थोड़ा इतना मतलब दिखाई नहीं दे रहा है और ठंड ठंड हवा तो दे ही रहा है। सुबह से ठंड ठंड हवा दे रहा है, दो तीन दिन से क्या हुआ है पता नहीं। देखो हो गया हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना। इधर है गोला रोटी और इधर है चाटनी मतलब सॉस। ये देखे अभी हम खाएंगे। गुड्डू का अभी भी बनाना नहीं हुआ है, अभी भी गैस पे पक रहा है, लेकिन मेरे लिए देखो लेकर आया है और मैं ये थोड़ा खा लेता हूँ। तो हम लोग देखो निकल रहे हैं बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि कुछ सामान लेना है। बाज़ार सब कुछ ख़त्म हो चुका है और सब्ज़ी बाज़ार, ग्रॉसरी बाज़ार सब कुछ करना है हमें। तो अभी हम जाएंगे बाज़ार। बहुत हम लोगों को एक्चुअली वेजिटेबल लेना जाना है बाज़ार में। ग्रॉसरी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन आज रात का कुछ प्लान है तो इसलिए प्लान तो हमारा होता ही रहता है। तो लेकिन ठंड तो बहुत है इसलिए हम लोग स्वेटर मफलर सब कुछ पहन के निकल रहा है। तो चलो चलते हैं बाजार। देखो गुटू इधर फूल गाछ देख रहा है। बोलो क्या लिया? कुछ करके नहीं दे रहा है, चेंज नहीं दे रहा है। देखो गाँधा फूल देख रहा है गुटू। ये फूल गाज उसको पसंद आया। देखो हम लोग अभी एकदम बाजार करके गुटू को और सब हम लोग बाजार करके अभी जा रहे हैं घर की तरफ। और गुटू ने ये फूल गाज ले लिया और एक गाज लेने में उधर आधा घंटा लग गया क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी था। छुट्टा भी नहीं दे रहा था, मैंने झगड़ा किया फिर उसने छुट्टा दिया। मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर कोई एक गाज ले तो क्या करोगे तुम, छुट्टा लग नहीं रखोगे? फिर जाके छुट्टा छुट्टा करके दिया। मैंने बोला मैं लूंगी तो मैं लूंगी इनका। बाजार करके हम आ गए और गुटू एक्साइट कर रहा है घर का काम, घर का पोछा लगाना, फिर खाना पकाना सब कुछ कर रहा है गुटू। और मैं इधर बैठ बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि एडिटिंग करके फिर शाम को वीडियो छोड़ना भी है, इसलिए इधर हो रहा है एडिटिंग का काम और गुटू उधर कर रहा है खाना पकाना, सब कुछ घर का काम कर रहा है। तो मैं अभी जाऊँगा तो देखती हूँ। चलो गुटू किचन में क्या क्या खाना बना रहा है। देखो इधर बन रहा है खाना और इधर है पालन शाग। हाँ सब सब्जी देखे, सब सब्जी देखे पालन शाग। और इसमें जाएगा ये बोड़ी। हाँ देखो बोड़ी दे दिया। और आज का ज़्यादा कुछ खाना नहीं है क्योंकि आज का शाम का भी हमारा प्लान है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ अभी ये शाग पकाएंगे और आलू भरता और चावल। हाँ और उसके साथ बैगन भजा होगा। हाँ देखो देखती हूँ टाइम अगर होता है तो। हाँ प्लीज मुझे बैगन भजा चाहिए। तुम जाओ इधर से, मेरा माथा मत खाओ। माथा सर मत खाओ माथा। चलो अभी खाना इधर पकने के लिए छोड़ देते हैं। नहाना कंप्लीट हो गया और बाबा ने अभी नहाने के लिए गई है और वो आने के बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। बहुत तेज जोर से भूख लग गई है सुबह से काम करते करते। और मेरा भी नहाना हो गया। देखो उसका भी नहाना हो गया। इतना ठंड है फिर भी आज धूप निकला है, इतने देर के बाद धूप निकला है। पूरा सारा कपड़े हम लोग धूप में सुखाने के लिए दिया है। तो मैं अभी धूप में जा रही हूँ बाहर और गुटू पक पक कर। लेकिन आज ठंड थोड़ा कम लग रहा है ना? हाँ। थोड़ा कम लग रहा है नहाने के बाद इतना। हाँ क्योंकि नहाने के बाद बहुत ठंड लगता है, लेकिन आज उतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है। तो अभी
लंच में आज सिंपल खाना बनाया वही आज हम लंच में खाएंगे और बाबा ने अभी पूजा देंगे, तो जल्दी जल्दी बाबा पूजा दे लो फिर हम लोग खाएंगे उसको। देखो देखो भगवान जी को हम लोग ढक दिया है क्योंकि भगवान जी को भी ठंडा लगता है, तो इसलिए हम लोग भगवान जी को ढक दिया था कल रात और अभी भगवान पूजा देंगे। तो चलो भगवान पूजा दे लेते हैं, हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोपहर को खाने के बाद हम दोनों ब्लैंकेट के अंदर चले गए थे, फिर अभी हम अचार खा रहे, चलता का अचार। इतना सही है, इतना सही है जो अभी ख़त्म कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ही बाकी था तो वो अभी हम लोग खा रहे क्योंकि कुछ खाने का मन कर रहा है अभी, क्या करें अभी अचार टाइम है, अचार टाइम। चलता का अचार कौन कौन खाया है और किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में बताओ। और ये तो मेरा माँ का हाथ का है, अलग से स्वाद है। तो आज फिर से होगा हमारा पिकनिक एकदम, मुझे पूरा एकदम। और बाबा और आज तो बहुत मजा आने वाला है और क्योंकि आज इधर हम लोगों का छोटा सा एक मेहमान आया है, पहले वो बता देते हैं। देखो इधर छोटा सा एक मेहमान आ गया है हमारे पिकनिक पे ज्वाइन करने के लिए। देख कैमरा देख चुके हम कोड़ा गुदु 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 ए मुझे जी इधर दी जूतो खुला छोड़ के जाओ और माथा ही खाली हो ही गया जूतो माथा ही को नहीं माथा ही करे। अभी हो रहा है इधर पिकनिक का तैयारी, सब लोग धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि पिछली बार हम लोग छत पे किया था लेकिन इस बार छत पे नहीं करेंगे तो हालत और भी खराब हो जाएगा। एक घंटे बाद दो इसलिए अभी हम लोग इधर घर घर बना रहे हैं, फिर इधर ही हम लोग देखो हमारा घर के सामने ही पिकनिक होगा इधर। की ओले बाबले एजे 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 एतो कोता किशेल किशेल की कान्ना आमाके देखले सब बच्चारा कादे की होयेछे गो देखो आमार दिके ताकिये केटे देबे देखो किच्छु करते हबे ना ओ देखो एमनि एमनि आमार दिके ताकिये केटे देबे। देखो इधर एकदम फुल तैयारी हो रहा है पिकनिक का, ये देखो खाना बना रहा है हमारा शेफ और इधर सब कुछ तैयारी चल रहा है, सब लोग तैयारी कर रहा है। गुटू देखो देखो सब लोग मिलके इधर तैयारी कर रहा है पिकनिक का और इधर से देखो पूरा एकदम घर बना दिया चारों तरफ से ताकि चेंज हो गया। हाँ आज रात में खाना खा पाएंगे या नहीं पिकनिक क्यों हो रहा है बोलो? क्योंकि हम लोगों का जो पिछले वाला पिकनिक था उसमें बहुत कुछ चीज गैस बच गया था, गैस बच गया था तो उससे फिर से पिकनिक हो रहा है। सिर्फ गैस नहीं उसके साथ मसाला सा तो इसलिए हमारा पिकनिक हो रहा है ना, पिकनिक हो रहा है तो अभी हो रहा है बाहर खाना, कब खाना मिलेगा। हरीदार देखो बेगुनी बनेगा इसलिए बेगुन कट के रखा है, वो खा चला प्रमाण राख। देखो बेगुनी पहले से खा रहा है, देखो देखो अभी तक हुआ नहीं, इधर हो रहा है देखो कितना क्या बोलते हैं उसको फूल गया है, इधर हो रहा है बेगुनी और ये देखो ये खा रहा है। देखो ये इसको भी दे रहा है देखो और ऐसे इधर गुटू हाँ करके बैठे हैं कि उसको कब मिले। गुटू दिया नहीं तुमको? नहीं दिया, एक भी नहीं दिया अभी तक। ये सारे लोग बैठे हैं कब उसको बेगुनी मिलेगा लेकिन ये अकेला ही सब कुछ खा रहा है। तो इधर बन चुका है खिचड़ी देखो, गर्मा गर्म खिचड़ी एकदम बन चुका है। अभी इधर वेटिंग कर रहा है कि कब मिलेगा खाना और देखो बेचारी बैठी है। आज मेरा एकदम इतना जोश नहीं है तो हालत एकदम ऐसे ऐसे है।
बोलाम तो तुमको लगता है कितना काम कर चुके हैं, देखो थक चुके हैं। सिर्फ मैं सिर्फ वेजिटेबल जो छीलना था वही छीला और चॉपिंग कर दिया। चॉपिंग कर दिया तो दोनों काम किया। और अभी खाना बनाने के डिपार्टमेंट में आज मैं नहीं था। ठीक है ठीक है, तो तुम अभी बैठे हो किस लिए? खाना खाने के लिए। कब होगा और कब हम लोग भूखा प्यासा आदमी देखो। और मेरे पैर के ऊपर हाथ क्यों रखे हो? क्योंकि मैं बेगुनी देख रही हूँ, सोच रही हूँ कब होगा और मैं कब खाऊंगा। देखो बेगुनी खा के अगर किसी को पेट खराब हुआ ऐसे हाँ करके क्यों देख रहे हैं बेगुनी को? बेगुनी को नहीं देख रहे हैं, बेगुनी वो जो तल रहा है उसको देख रही हूँ मैं। फाइनली देखो बन गया, इधर बेगुनी, इधर है आलू दम देखो, और इधर है खिचड़ी। गुटू अभी सर्व कर रहा है सभी को देखो, और इधर देखो ने, 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 ये सारे लोग देखो बैठ गया। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। बोल पिकनिक हो गया खत्म। देखो इधर कितना सारा खाना बच गया है, देखो सबसे ज्यादा खा रहा है अभी तक बैठे हैं। फाइनली खत्म हो चुका है हमारा पिकनिक और बहुत सारे खाना खा लिया पिकनिक में, ज्यादा ज्यादा खाना खा लिया। ऐसा ही होता है हम लोग जब पिकनिक करते हैं ना, उस दिन जब पिकनिक किया था उस दिन का गैस मसाला सब कुछ बच गया था, इसलिए आज पिकनिक हो गया। क्योंकि ठंड के मौसम में खिचड़ी बहुत ही अच्छा लगता है, उसके साथ आलू दम, उसके साथ बेगुड़ी, कोई बात नहीं है। और आज का पिकनिक का हमारा कोई प्लान नहीं था, अचानक से ही हो गया और बहुत ही मजा हुआ। और ठंड के मौसम में हम घर के सामने कर किया इसलिए ज्यादा मजा हुआ, क्योंकि छत पे ना बहुत ठंड है उस दिन में, जब मुझे बहुत गंदा वाला ठंड लग गया था, इसलिए आज हम घर के सामने ही किया। और एक बात है, आज भी बच गया, सब कुछ खाना बच गया, मसाला भी बच गया। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कोई और एक दिन, गैस भी बच गया है, कोई और एक मतलब दिन फिर एक दिन फिर मतलब पिकनिक होते ही जा रहे होते ही जा रहे। और आज का हम दोनों को मतलब सभी को बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे ही गया आज का दिन हमारा, एंजॉयमेंट सब कुछ मिला के आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो आज का व्लॉग हम लोग एक बार एंड कर, रुक जाओ मैं बोलना चाहती हूँ, आज मैं पूरा प्रोटेक्शन लेके था एकदम, मुझे पता नहीं कैसा कैसा लग रहा था, लेकिन पूरा एकदम कान में मैं जो है वो एकदम लगा के रखी थी, क्योंकि मुझे ठंड ना लगे। इसलिए यार बाबा मुझे बहुत डांट रही थी अगले दिन, इसलिए मैं आज ज़्यादा ज़्यादा करके ले रखा था। और हाँ वही है, और एक बात, और क्या बोल रहे थे, ओ और एक बात, आज मैं खाना नहीं बनाया, आज मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम किया, आज मेरा ज़्यादा खाने नहीं हुआ। तो यही बोलना था। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर एंड होता है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना। तो आज के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।